हम घोड़ी पे क्यों चढ़ेंगे, हम हेलीकॉप्टर पे चढ़ेंगे, हम हाथी पे चढ़ेंगे, हमारा जो मन आएगा उस पे चढ़ेंगे। बताइए ना आप, इस देश में हम आजाद देश में रहते हैं, सारे अधिकार हमें, हमें जो अच्छा लगता है वो करेंगे, हमें जो अच्छा लगता है। ये कौन होते हैं रोकने वाले? अगर ये रोकते हैं तो एक क्रिमिनल एक्ट करते हैं, उसकी सजा होनी चाहिए। SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में प्रोविजन है, उनको जेल जाना चाहिए। ये जेल तो पहुंचाते नहीं, उनको सजा तो देते नहीं है, और बड़ी बड़ी बात करते हैं, यही कराते हैं, यही सब कुछ कराते हैं, क्योंकि देश में जो रियल मुद्दे हैं उन पर बात ना हो, देश में जो एजुकेशन का मुद्दा है उस पर बात ना हो, देश में जो रोजगारी का मुद्दा उस पर बात ना हो, देश में जो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उस पर बात ना हो, देश में जो हजारों करोड़ों जो रुपया लूटा जा रहा उसकी बात ना हो, जो अडानी जो हजारों करोड़ रुपया लूट कर इस देश में लूट रहा है आज की डेट में, जो पहले लूट कर ले गए उन पर बात ना हो, तो रियल मुद्दों पर बात ना हो, तो फेक मुद्दे बनाए जाए। कभी राहुल गांधी की सदस्यता भंग कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, गले लगा रहे हैं, मंदिरों में भेज रहे हैं जलाभिषेक के लिए, तो दिक्कत क्या है अंबेडकरवादियों को? अरे भैया, दलितों को क्यों गले लगा रहे हो? अपने गले खुद गले लगो, हमें किसी के गले की कोई जवाब आवश्यकता नहीं है, हमें इस देश में जो हमारे अधिकार हैं वो दो। हमारे अधिकार तो दोगे नहीं, बाबा साहब की बात करोगे, बाबा साहब की मूर्ति पर माला चढ़ाओगे, उनके विचारों पर ताला लगाओगे, हमें आपके किसी भी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं 3000 साल से आप हम पर कैसा जुल्म करते आए हो, आज भी जो अधिकार हमारे पास में उन अधिकारों को देने को तैयार नहीं हो। हम जानते हैं कि आप इंटरव्यू में नंबर काटते हैं, हम जानते हैं आप कॉपी जाते हैं तो नंबर आप कम करते हैं, हम जानते हैं कि आप लोग हमारे अंगूठा काटते हैं, हम जानते हैं कि हर मुकाम पर हमको तुम कमजोर करने का काम करते हैं, तो कैसा भाईचारा? तुम गले लगकर गला काटने का काम करेंगे, हमें संविधान में जो अधिकार है वो दे दीजिए, वो हम लेना चाहते हैं, वो छीनना चाहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि जब तक आप अपनी सरकार नहीं बनाएंगे आप अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार ही आपके अधिकारों को सुरक्षित कर सकती है, तो उसके लिए लड़ाई लड़ो, उसके लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनका जो संगठन है वो महिलाओं को हथियार चलाना सिखा सकता है, वो महिलाओं को और कुछ सिखा सकता है, मगर महिलाओं को कभी भी वो सरसंचालक नहीं बना सकता, प्रमुख नहीं बना सकता। क्या आज तक कोई महिला प्रमुख बनी है? भारत का जो संविधान है वो भारत का संविधान महिलाओं को फौज में भी भेजता है, पायलट भी बनवाता है, IAS भी बनाता है, PCS भी बनाता है, जज भी बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है, और इवन यहाँ तक कि दलित की बेटी को उत्तर प्रदेश की 4-4 बार मुख्यमंत्री बना सकता है। ये संविधान है। तो इस देश में संविधान ज़्यादा मजबूत है या ऐसे लोग ज़्यादा मजबूत हैं या ऐसे लोगों का संगठन ज़्यादा मजबूत है? हमें जब जिस देश में डेमोक्रेसी है, जिस देश में संविधान है, जिस देश में चुनी हुई सरकार चल रही है, तो ऐसे छोटे मोटे संगठन की हमें बात नहीं करनी चाहिए। क्यों बात करनी चाहिए? क्या संगठन से देश चलता है या संविधान से देश चलता है, ये बताइए आप लोग। क्या देश में जो सरकारें हैं वो चुनी हुई सरकार है या किसी के आशीर्वाद से सरकार बनी है? तो यहाँ लोग हर 5 साल में अपनी सरकार चुनते हैं, और 5 साल चुनने के बाद में अगर वो सही काम नहीं करती तो फिर 5 साल में बदलने का काम भी करते हैं। सीधी बात करते हैं धर्म को बचाने की, तो उन पर एक एलिगेशन भी है, वो फ्रेम भी की गई है, वो चार्जशीट भी की गई है, केस अभी पेंडिंग है, देशद्रोह का केस लगा हुआ उन पे है, पेंडिंग केस है। महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं संघ वाले। अब वो कितना मजबूत कर रहे हैं आपको पता है? जो आप संघ की बात करते हैं, अगर हिंदू धर्म को देखा जाए तो हिंदू धर्म में देवदासी है, हिंदू धर्म में प्रभुदासी है, हिंदू धर्म में जोगनी प्रथा है, जहाँ मंदिरों में महिलाओं के साथ रेप किया जाता हो, जहाँ जो धर्म महिलाओं को सिर्फ एक ऐसी चीज़ समझता हो कि अपना एंटरटेन की चीज़ समझता हो, महिलाओं को कुछ नहीं देता हो, धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हिंदू कोड बिल देके गए, धन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान देके गए, इस देश में जो 50% महिलाएं, उनको तो कोई अधिकार ही नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारे अधिकार दिए हैं। कौन से दल की बात कर रहे हो, कौन से संघ की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब ने सारे अधिकार दिए हैं, और आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान ही अधिकार दे रहा है, और कोई अधिकार नहीं दे रहा आपको। संविधान को निकाल दो, कुछ अधिकार नहीं आपके पास में। इनकी किताब तो कहती है ढोल गवार शुद्ध पशुनारी सब ताड़न के अधिकारी, इनकी किताब तो ये कहती है। तो महिलाओं का अगर सम्मान किसी ने किया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है, और आज भी अगर महिलाओं को सम्मान है तो बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नवरात्र चल रहे हैं सब, बीजेपी के नेता खुद पूजा कर रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं बच्चियों की। जिसको जिसकी पूजा करनी है देखो, उसमें तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ। जिसको जिसकी करनी है करिए, अपना एक पर्सनल उसका माध्यम है, क्योंकि संविधान सबको आज़ादी देता है, मगर मेरा जैसे आदमी नहीं करता है। मेरा जैसे आदमी रक्षा करता है, पूजा नहीं करता है। अगर महिलाओं की रक्षा करने का अगर कोई काम होगा तो मैं करूँगा, बहन बेटियों की रक्षा करने का कोई काम होगा तो मैं करूँगा, मैं पूजा नहीं करता हूँ। पूजा पद्धति पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि पूजा जो है वो इंसान को गुलाम बनाने का रास्ता करती है। पूजा जब आप करते हो तो आप सवाल नहीं पैदा कर सकते, आप सवाल नहीं उठा सकते हो।
तो हम फॉलोवर हैं, बाबा साहब डॉक्टर को फॉलोवर हैं, हम फॉलो करते हैं, हम संविधान को फॉलो करते हैं, हम कानून को फॉलो करते हैं, हम उन अच्छी चीज़ों को फॉलो करते हैं जो देश में एक अच्छा मुकाम बना सकती हैं, जो देश को अच्छा कर सकती हैं। तो करने दीजिए पूजा, और जो पूजा ज़्यादा करते हैं ना वही आप बीजेपी के सारे लोग रेपिस्ट हैं। कितने लोग रेपिस्ट हैं बीजेपी के बताइए, कितने जेलों में आप देखे ना। उन्नाव का केस हुआ, उन्नाव का जो केस है, उन्नाव का केस में कौन था, बीजेपी का नेता था नहीं था। आप बिहार में हुआ, बिहार में बीजेपी का नेता था। कितने लोग बीजेपी के हैं जो आज भी महिलाओं का शोषण करते हैं, और कितने केस चल रहे हैं। तो आप जो ज्यादा पूजा मंदिरों में, बहुत ज्यादा पूजा होती है, सबसे ज्यादा रेप मंदिरों में ही होते हैं। भाई आसाराम बापू कौन था, आसाराम बापू तो एक बाबा था ना, और प्रधानमंत्री जाते थे, नरेंद्र मोदी जाते थे, वहाँ पर जाते थे नहीं, वहाँ पर आडवाणी जाते थे, वाजपेयी जाते थे, सारे बड़े बड़े नेता बीजेपी के जाते थे, बाद में क्यों जेल में पड़े हुए हैं वो। उसके राम रहीम भी बाबा थे, उनको क्या वो भी जेल में पड़े हुए हैं, बहुत सारे बाबा जेल में पड़े हुए हैं। तो इसलिए जो बाबा कल्चर है ये गलत है, ये सरकार इनको आगे बढ़ाने का काम करती है, अंधविश्वास बढ़ाने का काम करती है। अंधविश्वास किसी भी प्रकार का इस देश में नहीं होना चाहिए, उस पर लगाम लगनी चाहिए और जेल में जाने चाहिए। जाती है वो पंडितों ने बनाई है, और फिर 2 घंटे 4 घंटे के बाद उसका खंडन भी कर दिया उनके एक ही साथी ने। तो उनके बयान को मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि दलितों को जलाभिषेक करने दिया जाए, दलितों को घोड़ी पर चढ़ने दिया जाए, तो मैं इस बात को इस बात से जोड़ना चाहता हूँ कि वो दलितों को फिर दोबारा एक अंधविश्वास में डालना चाहते हैं, एक धर्म की चाशनी में डालना चाहते हैं, एक धर्म के जंजाल में डालना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को ये कहना चाहता हूँ कि आपको मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, आपको धर्म के चक्कर में नहीं आना चाहिए, आपको अपने बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, उनको अच्छे स्कूल में भेजें, अच्छे कॉलेजों में भेजें, जब भी उनका भविष्य हो सकता है। ऐसे लोगों की किसी भी बात में आने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपको रास्ता देकर गए हैं, आप अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर पूर्ण रूप से चलेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपको किसी और व्यक्ति के रास्ते की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि घोड़ी पर चढ़ने दें, कि तो क्या उनके लोगों ने रोका था घोड़ी पर चढ़ने से दलितों को? नहीं, इस वाले स्टेटमेंट से तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं उनके लोग ही रोकते हैं, जो उनको समर्थन करते हैं, जो बीजेपी को लोग समर्थन करते हैं, कहीं ना कहीं वही दलितों के जो घोड़ियां होती हैं जब शादियां होती हैं तो उनको रोकने का काम करते हैं, उनकी बहन बेटी की इज्जत को लूटने का काम करते हैं, उनके घरों में आग लगाने का काम करते हैं। तो उनको जो प्रताड़ित करते हैं जाति के नाम पर, वो कहीं ना कहीं इनसे समर्थित लोग ही होते हैं। और आज अगर ये कह रहे हैं तो किन लोगों से कह रहे हैं? क्या ये पुलिस हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री हैं? देश के रक्षा मंत्री हैं? किसी सूबे के मुख्यमंत्री हैं? कौन है ये, आप बताइए कौन है? किसको संदेश देना चाहते हैं? और देश के लोग क्यों बात मानेंगे इनकी? या तो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए ये वाली बात, या देश के गृहमंत्री को बोलनी चाहिए, या जिस स्टेट में हो रहा है उस स्टेट के मुख्यमंत्री को बोलनी चाहिए। ये कौन है बताइए, कौन, क्या संगठन है ये बताइए? ये सिर्फ लोगों को एक प्रकार से धर्म के नाम पर लोगों को ये जो संगठन है ये बांटने का काम करता है, जिस संगठन में देश की 75% जनसंख्या के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, वो संगठन राष्ट्रवादी बन रहा है। जिस संगठन के अंदर मुसलमानों के प्रति घृणा पहुंचाई जाती है, जिस संगठन में SC ST के प्रति घृणा पहुंचाई जाती है, और 50% महिलाओं के प्रति घृणा पहुंचाई जाती है, क्योंकि जो RSS है, RSS का कोई भी एक भी मेंबर में महिला नहीं बन सकती है। SC ST किसी बड़े ओहदे पर नहीं जा सकता है, और मुसलमानों के प्रति तो नफरत फैलाई जाती है। तो वो संगठन जो है वो कहाँ से बात करता है, कहाँ से वो संविधान की बात करता है, कहाँ से वो देश की बात करता है? ये जो संगठन है ये देश को तोड़ने का काम करता है। तो हम ऐसे किसी संचालक या ऐसे किसी प्रमुख की बात मानने को तैयार नहीं है जो सिर्फ देश को तोड़ना चाहता है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बताया जाता है संघ, जो संगठन रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, जिसका कोई ब्यौरा नहीं है सरकार के पास में, वो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, पहली बात तो। और हम RSS को कोई संगठन मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, RSS ना तो इस देश में प्रधानमंत्री है, RSS ना इस देश के अंदर कुछ है, RSS कुछ चंद लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जो नफरत फैलाते हैं किसी एक जातीय धर्म के खिलाफ। तो ये नफरत फैलाने वाला एक ग्रुप है। संघ से सर राष्ट्रपति आए हैं, प्रधानमंत्री आए हैं, मुख्यमंत्री आए हैं, बहुत सारे अधिकारी आए हैं। देखो, संघ से कोई नहीं आया। संविधान में अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो कभी भी कोई राष्ट्रपति नहीं बनता, कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता, कभी भी कोई जज नहीं बनता, कभी कोई IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता। ये जितने भी लोग आते हैं इस संविधान के माध्यम से आते हैं, नहीं तो आज़ादी से पहले कोई दलित क्यों नहीं देश का राजा बनता था, कोई IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील क्यों नहीं बनता था? आज अगर बन रहे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से बन रहे हैं, कोई किसी आशीर्वाद से नहीं बन रहा है, कोई भी किसी आशीर्वाद से नहीं बन रहा है।
तो ये मानना चाहिए कि अगर इस देश में 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की रिजर्वेशन से बन रहे हैं। ये गलत फहमी है क्योंकि बीजेपी बना रही है, आरएसएस बना रही है, नहीं बना रही है। अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो एक व्यक्ति को भी प्रधान नहीं बनाते, एक व्यक्ति को भी मेंबर नहीं बनाते। ये कोई ये प्रोविजन है संविधान के अंदर, ये प्रोविजन है कि आपको एससी एसटी को रिजर्वेशन देना पड़ेगा, और रिजर्वेशन जो है वो संविधान में निहित है, और संविधान के माध्यम से वहां पर लोग बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, और निगम पार्षद बन रहे हैं, और यहाँ तक भी राष्ट्रपति बन रहे हैं। मोहन भागवत को दलितों के प्रति इतनी चिंता क्यों हो रही है आखिर? अभी चिंता नहीं है भाई, चिंता नहीं है, ये सबक ना चाहिए, चिंता नहीं है। उन दलितों को जो अंबेडकरवादी बनते जा रहे हैं, बुद्धवादी बनते जा रहे हैं, संविधानवादी बनते जा रहे हैं, उनको वो धर्मवादी बनाना चाहते हैं, वो फिर दोबारा उस षड्यंत्र में लेके आना चाहते हैं जिस षड्यंत्र से बड़ी मुश्किल से हम जैसे लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो निकाल रहे हैं वहां से, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को हम आगे पहुंचा रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर में कहा था कि हिंदू जो धर्म है वो षड्यंत्र है एक प्रकार से, और करोड़ों लोगों के खिलाफ षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र से जब तक तुम नहीं निकलोगे, जब तक तुम लोग पवित्र नहीं हो सकते, जब तक लोग तुम इस देश में अपना मुकाम नहीं बना सकते हैं, और जो जो लोग हिंदू धर्म से बाहर निकल आए हैं वो लोग आज देश के अंदर बड़े बड़े पोस्टों पर हैं, बड़े बड़े अच्छे मुकामों पर हैं, और वो अपना जीवन अच्छी तरह जी रहे हैं, ये दोबारा षड्यंत्र में ले जाना चाहते हैं, दोबारा षड्यंत्र में लेना चाहते हैं। जो आप चाहते हैं वही क्या है ना, वो भी आप भी तो चाहते हैं बराबरी हो, जाति वो मंदिर भेजना चाहते हैं, मैं स्कूल भेजना चाहता हूँ। उनके जो लोग हैं धर्म धर्म पर बात करते हैं, हम संविधान पर बात करते हैं, वो भाग्य और भगवान पर बात करते हैं, हम जो करते हैं हम हार्ड मेहनत पर काम करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि आपके अधिकार यहाँ पर हैं, वो कहते हैं कि सब कुछ भगवान से मिलता है, हम कहते हैं सब कुछ संविधान से मिलता है। भगवान से सब कुछ नहीं मिलता, संविधान से सब कुछ मिलता है। ये लड़ाई जो है अम्बेडकरवादी मनुवादियों की लड़ाई है, वो इंसान इंसान को नफरत करते हैं, वो वर्गों में बांटने का काम करते हैं, संविधान जबकि वर्गों में नहीं बांटता, संविधान एक अलग व्यवस्था है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध का जो सिद्धांत है वो इंसान को इंसान समझने का काम करते हैं, तो उनकी लड़ाई और हमारी लड़ाई अलग अलग है।